हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एडिटिक ईडीयू। ये हमारा जनरल नॉलेज कैप्सूल का सेकेंड पार्ट है फॉर एसएससी सीजीएल 2018 एग्ज़ाम के लिए। इससे पहले मैंने एक और पार्ट को डिस्कस किया था, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अगर ये चैनल आप पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कर लें एंड हमारे वीडियो को शेयर करें एंड लाइक करें। अब आप हमारे वेबसाइट एडिटिक ईडीयू .editic.in और editic.in पर लॉगिन करके फ्री में SBI, SSC एंड रेलवे के डेली क्विज को आप प्रैक्टिस कर सकते हैं और साथ में फ्री में टेस्ट और नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, बैंकरप्टसी एंड इंसॉल्वेंसी is listed in the dash list given in the 7th schedule in the constitution of india। jo bankruptcy hai and insolvency hai wo kis list mein hamara listed hai jo ki 7th schedule in the constitution of india mein hai। to hamara answer hai concurrent list mein hamara bankruptcy and insolvency hamara listed hai। hamara second question hai, in 1236 सुल्तान इल्तुतमिश डॉटर डैश बिकेम सुल्तान। 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान सुल्तान बनी थी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, महात्मा गांधी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशन वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट द प्रपोज्ड। 1919 में महात्मा गांधी ने नेशन वाइड सत्याग्रह को लॉन्च किया था किस रूल के अगेंस्ट। तो हमारा आंसर है रोलेक्ट एक्ट के अगेंस्ट। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, डैश डिटरमाइंस कलर टेक्सचर केमिकल प्रॉपर्टीज मिनरल कॉन्टेंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल। कौन कलर टेक्सचर केमिकल प्रॉपर्टीज और मिनरल कंटेंट एंड परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल को डिसाइड करता है। तो हमारा आंसर है पेरेंट रॉक। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है, द इनर मोस्ट लेयर इज द कोर विथ अ रेडियस ऑफ अबाउट डैश किलोमीटर। जो कोर का जो रेडियस है, इनर मोस्ट लेयर का जो कोर का जो रेडियस है वो कितना है, वह 3500 किलोमीटर। उसका जो रेडियस है वो कितना है, 3500 किलोमीटर। हमारा सिक्स क्वेश्चन है, द डैश आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गेन डैट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स ओवेरियन हार्मोन्स। कौन प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गेन है जो कि प्रोड्यूस करता है फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स ओवेरियन हार्मोन्स। तो हमारा आंसर है ओवेरीज। ओवेरीज आर द प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गेन्स डेट प्रोड्यूस द फीमेल गैमेट ओवम एंड सेवरल स्टेरॉइड हार्मोन्स ओवेरियन हार्मोन्स। हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द प्लांट किंगडम। जो ब्रायोफाइट है वो हमारा एम्फेबियन कहलाता है प्लांट किंगडम का। हमारा एट क्वेश्चन है, अ बॉल रोलिंग अलोंग द ग्राउंड ग्रेजुअली स्लोज डाउन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट इज ड्यू टू। जो बॉल हमारा ग्राउंड पर रोल कर रहा है और अचानक से रुक जाता है वो किस फोर्स के कारण होता है या किसके कारण होता है। हमारा आंसर है फ्रिक्शन के कारण। हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन द डैश एंड द इंसिडेंट रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंस किस दो एंगल के बीच बनता है। तो पहला है हमारा नॉर्मल और दूसरा है हमारा इंसिडेंट रे। तो आंसर क्या होगा, नॉर्मल। द एंगल बिटवीन द नॉर्मल एंड द इंसिडेंस रे इज कॉल्ड द एंगल ऑफ इंसिडेंस। हमारा टेंथ क्वेश्चन है, डैश आर डिजाइन टू रीड एंड इंट्रैप्ट एसटीएमएल। किसको डिजाइन किया गया है एसटीएमएल को पढ़ने के लिए और इंट्रैप्ट करने के लिए। तो हमारा आंसर है ब्राउजर। ब्राउजर आर डिजाइन टू रीड एंड इंटरप्रेट एसटीएमएल। हमारा इलेवेंथ क्वेश्चन है, विच इज नॉन एज आर्टिफिशियल सिल्क। आर्टिफिशियल सिल्क के नाम से कौन क्या जाना जाता है। तो हमारा आंसर है रेयन। हमारा ट्वेल्थ क्वेश्चन है, विच एसिड प्रेजेंट इन ग्रेप्स। ग्रेप्स में कौन सा एसिड प्रेजेंट होता है। तो हमारा आंसर है टार्टरिक एसिड। हमारा थर्टीन क्वेश्चन है, इफ वी बराबर यू प्लस ए टी व्हाट इज द यू इन दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन में यू जो है हमारा वो है इनिशियल वेलोसिटी, वी जो होता है वो हमारा होता है फाइनल वेलोसिटी, ए जो होता है वो हमारा होता है एक्सीलेशन और टी जो होता है वो हमारा टाइम। हमारा फोर्टीन क्वेश्चन है, टॉमर्स आर डिफीटेड बाय चौहान ऑफ विच रीजन। तो हमारा आंसर है हरियाणा। हाँ, फिफ्टीन क्वेश्चन है, विच एसिड इज रिलीज्ड व्हेन एंट बाइट्स। जब कोई चींटी काटता है तो कौन सा एसिड रिलीज होता है। तो हमारा आंसर है फॉर्मिक एसिड।
हाँ, 16th क्वेश्चन है, विच एमोंग द फ्लोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड सोल। सॉलिड सोल का हमारा कौन सा एग्जाम्पल है? तो हमारा आंसर है कलर्ड जैम स्टोन। हमारा 17th क्वेश्चन है, हु डिस्कवर द कॉलरा काउजिंग जर्म्स। कॉलरा काउजिंग जर्म्स को किन्होंने डिस्कवर किया? तो हमारा आंसर है फिलिपो पैसिनी। हमारा 18th क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक सिटीजन एंड सोसाइटी। सिटीजन एंड सोसाइटी के ऑथर है हामिद अंसारी। हमारा 19th क्वेश्चन है, विच अमॉन्ग द फ्लोइंग नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ओपियम इन द वर्ल्ड। तो हमारा आंसर है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान जो कि इंडिया का नेबरिंग कंट्री है, वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ओपियम इन द वर्ल्ड। हमारा 20th क्वेश्चन है, एम टी एन एल कम्स अंडर विच ऑफ द फ्लोइंग कैटेगरी। एम टी एन एल जो हमारा है वो आता है नवरत्न के कैटेगरी में। हमारा 21st क्वेश्चन है, डैश फर्स्ट बिकम द कैपिटल ऑफ अ किंगडम अंडर द तुम्हारा राजपूत। तुम्हारा राजपूत के अंदर पहला जो किंगडम बना था, कैपिटल बना था उन लोगों का, वो था दिल्ली। हमारा 22nd क्वेश्चन है, नूर जहां वॉज द वाइफ ऑफ विच मुगल एम्पायर। नूर जहां किस मुगल एम्पायर की वाइफ थी? तो हमारा आंसर है जहांगीर। हमारा 23rd क्वेश्चन है, डैश रिसोर्सेज आर दोज रिसोर्सेज विच क्वांटिटी हुज क्वांटिटी इज नोन। ऐसा रिसोर्सेज जिसका क्वांटिटी नोन हो, उस रिसोर्स को हम लोग बोलते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज। हमारा 24th क्वेश्चन है, द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंटिनेंटल मास आर डैश एंड अल्मुनिया। अल्मुना जो मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट है हमारा कंटिनेंटल मास का, वो है सिलिका एंड अल्मुनिया। तो हमारा आंसर क्या होगा? सिलिका। हाँ, 25th क्वेश्चन है, द मेंबर ऑफ क्लोरो फासिये आर कॉमनली कॉल्ड डैश एल्गी। तो हमारा आंसर है ग्रीन अल्गी। हमारा 26th क्वेश्चन है, द बॉडी कैविटी विच इज लाइंड बाय मेजोडर्म इज कॉल्ड। जो बॉडी कैविटी हमारा मेजोडर्म से लाइंड है, वो है हमारा क्विलम। हमारा 27th क्वेश्चन है, कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर आर एग्जाम्पल ऑफ। कन्वेक्स एंड कनकेव मिरर किसका एग्जाम्पल है? तो है स्फेरिकल मिरर का। हमारा 28th क्वेश्चन है, द फ्रिक्शनल फोर्स एग्जर्टेड बाय फ्लूड इज ऑल्सो कॉल्ड। जो फ्रिक्शनल फोर्स हमारा फ्लूड के द्वारा एग्जर्ट होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ड्रैग। हमारा 29th क्वेश्चन है, अ चेंज इन विच वन और मोर न्यू सब्सटेंस आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड। ऐसा चेंज जिसमें एक या एक से अधिक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है, उसको कहते हैं केमिकल चेंज। और एक होता है हमारा फिजिकल चेंज, जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होता है। हमारा 30th क्वेश्चन है, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच दे कैन बीटन इन टू थीन सीट्स इज कॉल्ड। ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ मेटल जिसमें हम लोग मेटल को थीन सीट में कन्वर्ट कर सकें, उस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मेलेबिलिटी। और डक्टिलिटी होता है जिसको हम लोग वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। हमारा 31st क्वेश्चन है, इंडिया रिसेंटली नोटिफाइड द थर्ड प्रोटोकॉल टू अमेंड डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट विथ विच ऑफ द फ्लोइंग कंट्रीज। तो हमारा आंसर है सिंगापुर। हमारा 32nd क्वेश्चन है, इंडिया हैज टेकन द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू फ्रॉम विच ऑफ द कंट्रीज कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है हमारा, वो किस देश के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है? तो हमारा आंसर है यूनाइटेड स्टेट्स। हमारा 33rd क्वेश्चन है, हाउ मेनी टाइम्स अ पर्सन कैन बी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। एक पर्सन को कितने बार प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के रूप में इलेक्ट किया जा सकता है? तो हमारा आंसर है 9 बार, यानी कि कोई लिमिट नहीं है। और 34th क्वेश्चन है, हु शॉट डेड जॉन सॉन्डर्स ऑन 17 दिसंबर 1927। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स को किन्होंने मारा था? तो हमारा आंसर है भगत सिंह। और 35th क्वेश्चन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल वॉज द लीडर ऑफ। सरदार वल्लभ भाई पटेल लीडर थे बरदौली सत्याग्रह के। हमारा 36th क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट majorly compromises of lichens and mosses। तो हमारा आंसर है tundra forest। tundra forest mainly क्या compromise करता है? lichens and mosses। हमारा 37th क्वेश्चन है, which of the following has maximum diurnal temperature difference। maximum diurnal temperature difference हम लोगों को कहाँ मिलता है? तो हमारा आंसर है desert में। हमारा 38th क्वेश्चन है, night blindness is caused by the deficiency of which of the following vitamin। नाइट ब्लाइंडनेस जो कॉज होता है विटामिन ए के कमी से। हमारा 39th क्वेश्चन है, द राइट पोर्शन ऑफ द ह्यूमन हार्ट रिसीव्स डैश ब्लड। जो राइट पोर्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट होता है वो इम्प्योर ब्लड रिसीव करता है। हमारा 40th क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द लार्जेस्ट ग्लैंड इन द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में जो लार्जेस्ट ग्लैंड होता है हमारा, वो होता है लीवर। हमारा 41st क्वेश्चन है,
The reflection formed by the plane mirror is, जो plane mirror के द्वारा reflection form होता है, वो reflection है हमारा lateral inversion. हमारा 42nd question है, crystallization is an example of. Crystallization किसका example है? तो example है physical change का. Physical change ऐसा change होता है, जिसमें कोई भी नया substance का formation नहीं होता है. हमारा 43rd question है, vinegar and baking soda together produce. विनेगर एंड बेकिंग सोडा दोनों प्रोड्यूस करता है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड. हमारा 44th क्वेश्चन है, द साल्ट कंसंट्रेशन मेजर्ड एज सैलिनिटी इन पार्ट्स पर 1000 इज डैश परसेंट इन सी. जो साल्ट कंसंट्रेशन है हमारा, वो समुद्र में कितना मौजूद होता है, कितना परसेंट में, तो हमारा आंसर है 30 से 35%. हमारा 45th क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड नियोन. नियोन के आविष्कारक कौन थे, तो हमारा आंसर है मॉरिस W. ट्रावर्स एंड विलियम रामसे. हमारा 46th क्वेश्चन है, विच नेशंस विल होस्ट द मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन द ईयर 2019. कौन नेशन जो है वो होस्ट करेंगे मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप जो कि 2019 में खेला जाना है. हमारा आंसर है इंग्लैंड एंड वेल्स. हमारा 47th क्वेश्चन है, गोल गुम्बज इज लोकेटेड इन. गोल गुम्बज कहाँ लोकेटेड है, तो हमारा आंसर है कर्नाटक. हमारा 48th क्वेश्चन है, इन अप्रैल 2017 हु हैज बीन मेड यूनाइटेड नेशंस मैसेंजर ऑफ पीस. अप्रैल 2017 में किन्हें यूनाइटेड नेशंस मैसेंजर ऑफ पीस बनाया गया है, तो हमारा आंसर है मलाला यूसुफ जाई. हमारा 49th क्वेश्चन है, वोकल कोड्स इन वोमेन आर डैश देन वोकल कोड्स इन मैन. जो वोकल कोड होता है वुमेन में वो 5 मिलीमीटर शॉर्टर होता है देन वोकल कोड्स इन मेन. वोकल कोड्स इन वुमेन आर 5 मिलीमीटर शॉर्टर देन वोकल कोड्स इन मैन. हमारा 50 क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द पास्ट सेंचुरी द टेम्परेचर ऑफ अर्थ हैज इंक्रीज्ड बाय. पास्ट सेंचुरी में टेम्परेचर ऑफ अर्थ है कितना से इंक्रीज किया है हमारा, तो इंक्रीज किया है 0.6 डिग्री सेंटीग्रेड से. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग राइट्स हैज बीन रिमूव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल राइट्स एंड कन्वर्टेड टू अ सिंपल लीगल राइट. हमारा आंसर है राइट टू प्रॉपर्टी. राइट टू प्रॉपर्टी को हटा दिया गया फंडामेंटल राइट से और कन्वर्ट कर दिया गया उसको सिंपल लीगल राइट में. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फ्लोइंग डज नॉट कम अंडर फंडामेंटल ड्यूटी. तो हमारा आंसर होगा टू प्रोटेक्ट फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन. ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटी के अंतर्गत नहीं आता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच इंपायर रोट द प्ले नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज. तो हमारा आंसर होगा हर्षवर्धन. हर्षवर्धन ने लिखा था नागानंदा इन संस्कृत लैंग्वेज. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, द बाउंड्री बिटवीन अर्थ क्रस्ट एंड मेंटल. अर्थ क्रस्ट और मेंटल के बीच का जो बाउंड्री होता है उसको हम लोग कहते हैं मोहो डिसकंटिन्यूटी. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डोल्ड्रम्स प्रेशर बेल्ट लाइज इन बिटवीन विच ऑफ द फ्लोइंग लैटिट्यूड. तो हमारा आंसर होगा 5 डिग्री नॉर्थ टू 5 डिग्री साउथ. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन होगा, विच कंपोनेंट इन टोबैको मेक्स इट हार्मफुल फॉर ह्यूमन कंजप्शन. तो हमारा आंसर होगा निकोटीन. निकोटीन होता है टोबैको में जो हमारे लिए हार्मफुल होता है. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ बीओडी. बीओडी का फुल फॉर्म होता है हमारा बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एल्वोली इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फ्लोइंग सिस्टम ऑफ द ह्यूमन बॉडी. तो हमारा आंसर होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. तो हमारा आंसर होगा डेसिबल. डेसिबल होता है एसआई यूनिट होता है इंटेंसिटी ऑफ साउंड का. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, विच कलर इज फॉर्म्ड व्हेन ब्लू एंड ग्रीन आर मिक्स. जब ब्लू और ग्रीन को मिक्स करते हैं हमारा तो सियान कलर फॉर्मेशन लेता है. 61st क्वेश्चन है, Who was the British PM at the time of revolt of 1857? 1857 के revolt के समय में जो British PM थे वो थे Lord Palmerston. हमारा 62nd question है, Who was called Jinda Peer Living Saint in Mughal India? जो जिंदा पीर और लिविंग सेंट मुगल इंडिया में औरंगजेब को कहते हैं. हमारा 63rd question है, Who earned the title of Liberator? Liberator के title से किसे नवाजा गया? तो हमारा answer है अशोका को. हमारा 64th क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया. फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया हम लोग कहते हैं लॉर्ड रिपन को. हमारा 65th क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द इंडिपेंडेंस इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सेटअप. बाय हुम वाज द इंडियन इंडिपेंडेंस लीग सेटअप. इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी रास बिहारी बोस ने. हमारा 66th क्वेश्चन है, By whom was the city of Agra founded in 1504? 1504 में city of Agra found सिकंदर लोदी ने found किया था. हमारा आंसर है सिकंदर लोदी.
सिकंदर लोदी ने 1504 में सिटी ऑफ आगरा को फाउंड किया था। हमारा 67 क्वेश्चन है, बाय हुम वाज द प्रैक्टिस ऑफ सती वाज डिक्लेयर्ड इलीगल। किसके द्वारा जो सती का जो प्रैक्टिस किया जाता था उसे इलीगल करार दिया गया। हमारा आंसर है लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो सती प्रथा था उसे इलीगल डिक्लेयर किया गया। हमारा 68 क्वेश्चन है, हु इज रिलेटेड टू सर्वोदय एंड वुडन मूवमेंट। सर्वोदय एंड वुडन मूवमेंट से जो रिलेटेड थे वो थे हमारे आचार्य विनोबा भावे। हमारा 69 क्वेश्चन है, विच सिख गुरु कॉल्ड हिमसेल्फ द सच्चा बादशाह। किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह बोला जाता है। हमारा आंसर है गुरु हरगोविंद साहब को। हमारा 70th क्वेश्चन है, विच वॉज द कैपिटल ऑफ राजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब। राजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब का राजधानी लाहौर हुआ करता था। राजा रंजीत सिंह ऑफ पंजाब का राजधानी लाहौर हुआ करता था। हमारा 71st क्वेश्चन है, इन इंडिया प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड बाय विच मेथड। तो हमारा आंसर है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इस मेथड से हम लोग प्रेसिडेंट को इलेक्ट करते हैं इंडिया में। हमारा 72nd क्वेश्चन है, टिल नाउ द प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ बीन अमेंडेड फॉर हाउ मेनी टाइम्स। अभी तक जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, उसे कितने बार अमेंड किया गया। तो हमारा आंसर है वंस, एक ही बार अमेंड किया गया, वो भी इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी और इमरजेंसी का समय था, उस टाइम पे प्रीएम्बल को एक ही बार अमेंड किया गया। हमारा 73rd क्वेश्चन है, हु इज़ द कॉम्पिटेंट टू डिजॉल्व द राज्यसभा। तो हमारा आंसर है नो वन, कोई भी राज्यसभा को डिजॉल्व नहीं कर सकता है। हमारा 74th क्वेश्चन है, विच वेयर द फर्स्ट टू स्टेट्स इन इंडिया टू इस्टेब्लिश पंचायती राज इन 1956। तो हमारा आंसर है राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश। राजस्थान एंड आंध्र प्रदेश हमारा दो स्टेट था जिन्होंने 1956 में पंचायती राज को इस्टेब्लिश किया। हमारा 75th क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग अ पर्सन शुड हैव प्रैक्टिस्ड इन अ हाई कोर्ट टू बी एलिजिबल टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो हमारा आंसर है 10 ईयर्स। कोई भी व्यक्ति अगर 10 साल तक हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करता है तो एलिजिबल है सुप्रीम कोर्ट का जज बनने के लिए। हमारा 76th क्वेश्चन है, व्हाट कैन बी द मैक्सिमम इंटरवल बिटवीन टू सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। तो हमारा आंसर है 6 मंथ। जो दो सेशन का जो मैक्सिमम इंटरवल है, पार्लियामेंट के दो सेशन का जो मैक्सिमम इंटरवल है वह हमारा 6 मंथ। हमारा 77th क्वेश्चन है, हु इज़ नॉन एज द फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। हमारा आंसर है अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया जो है हमारे वो फर्स्ट लॉ ऑफिसर हैं इंडिया के। हमारा 78th क्वेश्चन है, फंडामेंटल ड्यूटीज वेयर एडेड बाय विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। तो हमारा आंसर है 42nd, जो हमारा 42nd अमेंडमेंट है उसके थ्रू कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया। हमारा 79th क्वेश्चन है, द 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू। जो हमारा 8th शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो रिलेटेड है रिकॉग्नाइज्ड लैंग्वेजेस से। हमारा 80th क्वेश्चन है, द आइडिया ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज फर्स्ट मूटेड बाय हुम। तो जो आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था टू फॉर्म अ कॉन्स्टिट्यूशन, वो पहली बार जो आइडिया था वो दिए थे एम एन रॉय इन 1927 में। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, द फ्लोइंग डिवाइस अलाउ द यूजर्स टू ऐड एक्सटर्नल कंपोनेंट टू अ कंप्यूटर सिस्टम। कोई एक डिवाइस जो है इसमें से कंप्यूटर में एक्सटर्नल कंपोनेंट को जोड़ने में इस्तेमाल किया जाता है, उस डिवाइस का नाम क्या है। तो उस डिवाइस का नाम हमारा है पोर्ट्स ऑब्लिक सिस्टम बोर्ड। बाकी जो मेरा डिवाइस है जैसे कीबोर्ड, वो मेरा क्या है, वो मेरा इनपुट डिवाइस है। कौन सा डिवाइस है मेरा, वो मेरा इनपुट डिवाइस है, ठीक है। स्टोरेज डिवाइस मेमोरी को स्टोरेज करने में काम होता है, और डिस्किट जो है हमारा वो एक तरह का स्टोरेज डिवाइस है। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा आंसर होगा पोर्ट्स ऑब्लिक सिस्टम बोर्ड। हमारा सेकेंड क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर डैट मैनेजेज डाटा
in more than one file at a time, and these files are treated as tables with rows and columns rather than as list of the record is. ऐसा software जो manage करता है data को more than one file में एक time पे, और वो जो file होता है treated किया जाता है as a table with rows and columns rather than a record के रूप में. तो हमारा answer होगा relational database management package. ठीक है, हमारा third question है, a program that remains in the memory while other programs are executing. ऐसा program जो memory के अंदर होता है जब other program को execute किया जाता है, तो उस program का नाम है हमारा resident program. हमारा fourth question है, the total time elapsed between submission of command and data to a computer and getting the result of computation is the. जो total time लिया जा रहा है between submission of command, command को जब हम लोग submit करते हैं और जो data computer हमें देता है result के रूप में, उस time को हम लोग क्या बोलते हैं? तो उस time को हम लोग बोलते हैं response time. कौन सा time बोलते हैं? Response time. ठीक है, हमारा fifth है question है, an automatic machine that is made to perform routine human task is. ऐसा machine जो कि human task को perform कर सकता है, तो machine क्या कहलाएगा हमारा? तो वो मशीन कहलाएगा रोबोट. हमारा सिक्स्थ क्वेश्चन है, द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट अ सिंगल कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्रोग्राम इज कॉल्ड. टाइम जो रिक्वायर्ड होता है कंप्लीट एक सिंगल कंटिन्यूअस एग्जीक्यूशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को करने में जो टाइम रिक्वायर्ड होता है वो टाइम मेरा क्या कहलाता है? वो टाइम मेरा कहलाता है रन टाइम. ठीक है, हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, कंप्यूटर नेटवर्क इज है, कंप्यूटर नेटवर्क हमारा क्या होता है? तो कंप्यूटर नेटवर्क हमारा होता है अ डिस्ट्रीब्यूटेड डाटा प्रोसेसिंग सिस्टम कम्युनिकेशन एंड रिसोर्स शेयरिंग. ये भी सही ऑप्शन है. मल्टीपल कंप्यूटर्स आर लिंक्ड फॉर द पर्पस ऑफ डाटा. ये भी सही है, यानी कि हमारा आंसर क्या होगा? आंसर होगा बोथ ए एंड डी. कंप्यूटर नेटवर्क क्या होता है? नेटवर्क होता है जिसका इस्तेमाल कम्युनिकेशन और रिसोर्स शेयरिंग के लिए किया जाता है. दूसरा, मल्टीपल कंप्यूटर जो होता है आपस में लिंक होते हैं पर्पस ऑफ डाटा के लिए. ठीक है, हमारा आठवां क्वेश्चन है, अ प्रोसेस ऑफ कलेक्टिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टोरिंग एंड अदरवाइज मेंटेनिंग अ कंप्लीट हिस्टोरिकल रिकॉर्ड ऑफ प्रोग्राम्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स यूज्ड और प्रिपेयर्ड ड्यूरिंग द डिफरेंट फेजेस ऑफ द सिस्टम इज कॉल्ड. क्या कहेंगे हम उसको? उसको हम लोग कहेंगे डॉक्यूमेंटेशन. डॉक्यूमेंटेशन एक प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू हम लोग प्रोग्राम्स को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, स्टोर करते हैं और उसका एक हिस्टोरिकल रिकॉर्ड को मेंटेन करते हैं. ठीक है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग डॉक्यूमेंटेशन. हमारा नाइन्थ क्वेश्चन है, व्हाट आर कैरेक्टर सिम्बॉल्स. कैरेक्टर सिम्बॉल हमारा क्या होता है? तो कैरेक्टर सिम्बॉल होता है जो कि यूज किया जाता है फ्लो चार्ट में. ये रिप्रेजेंट करता है जंक्शन इन अ फ्लो लाइन और इसको यूज़ किया जाता है टू ट्रांसफर फ्लो बिटवीन डिफरेंट पेजेस ऑफ अ लेंथी चार्ट. इसका मतलब हमारा आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव. कैरेक्टर सिंबल क्या होता है? तो कैरेक्टर सिंबल हमारा यूज़ किया जाता है फ्लो चार्ट में. दूसरा, रिप्रेजेंट अ जंक्शन इन अ फ्लो लाइन, फ्लो लाइन के बीच में ये जंक्शन के रूप में रिप्रेजेंट करता है. और तीसरा, यूज टू ट्रांसफर फ्लो बिटवीन डिफरेंट पेजेस ऑफ अ लेंथी चार्ट. ठीक है, हमारा टेंथ क्वेश्चन है, कंसोल इज. कंसोल क्या होता है? कंसोल एक डिवाइस होता है जो इनेबल्स ह्यूमन ऑपरेटर्स टू कम्युनिकेट विथ द कंप्यूटर. कंप्यूटर से कम्युनिकेट करने के लिए ऐसा डिवाइस जो ह्यूमन ऑपरेटर को इनेबल किया जाता है वो क्या कहलाता है? कंसोल. तो कंसोल एक डिवाइस है जो ह्यूमन ऑपरेटर को इनेबल करता है, उसको हेल्प करता है टू कम्युनिकेट विद द कंप्यूटर. हमारा एलेवेंथ क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द डैश इज द मेन स्क्रीन एरिया डैट वन कैन सीज आफ्टर ही टर्न ऑन अ कंप्यूटर और लॉग ऑन टू द विंडोज. विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में डैश जो है हमारा वो मेन स्क्रीन एरिया है जो कि हम लोग देखते हैं जबकि सिस्टम को ऑन करते हैं और विंडोज में लॉग ऑन करते हैं. तो लॉग ऑन का मतलब होता है विंडोज़ को जब हम लोग स्टार्ट करके अपना पासवर्ड वगैरह एंट्री कर लेते हैं तो देखते हैं.
तो हमारा एरिया क्या कहलाता है, वो एरिया कहलाता है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप हमारा मेन स्क्रीन एरिया होता है जिसको हम लोग देखते हैं जब हमारा सिस्टम ऑन हो जाता है, ठीक है। और हमारा 12th क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इट सिट्स एट द बॉटम ऑफ द विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन, इट शोज यू विच प्रोग्राम्स आर रनिंग एंड अलाउज यू टू स्विच बिटवीन दैम, इट ऑल्सो कंटेन द स्टार्ट बटन विच वन कैन यूज टू एसेस प्रोग्राम्स फोल्डर्स एंड कंप्यूटर सेटिंग्स। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम में डेस्कटॉप, विंडो डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे वो बैठ रहता है, बॉटम में रहता है, वो हम लोग को वो बताता है कि कौन सा प्रोग्राम हमारा रनिंग है, कौन सा प्रोग्राम चल रहा है, और ऑल्सो स्विच ऑफ, स्विच करने के लिए हेल्प करता है बिटवीन दैम, कि हम लोग एक प्रोग्राम से दूसरे प्रोग्राम में जंप कर सकते हैं। इट ऑल्सो कंटेन द स्टार्ट बटन, ये स्टार्ट बटन कंटेन करता है, विच वन कैन यूज टू एसेस, इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोग्राम फोल्डर्स और कंप्यूटर सेटिंग के लिए, तो वो चीज़ हमारा कहलाता है टास्क बार। तो टास्क बार जो है हमारा वो विंडोज डेस्कटॉप स्क्रीन के नीचे रहता है, ठीक है। ये हमारा प्रोग्राम्स जो रन कर रहा है उसको शो करता है और हेल्प करता है स्विच बिटवीन दैम करने के लिए, यानी दो प्रोग्राम को लोग स्विच बिटवीन दैम कर सकते हैं, ठीक है। वो स्टार्ट बटन कंटेन करता है जिससे हम लोग प्रोग्राम फोल्डर्स और कंप्यूटर सेटिंग को एक्सेस कर सके। हमारा 13th क्वेश्चन है, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम दीज आर स्मॉल पिक्चर्स डेट रिप्रेजेंट फाइल फोल्डर प्रोग्राम्स एंड अदर आइटम्स, ईच वन इज यूज टू मेक द कंप्यूटर्स टू डू समथिंग, तो हमारा कहलाता है आइकॉन। आइकॉन जो होता है वो स्मॉल पिक्चर होता है जो रिप्रेजेंट करता है फाइल्स को, फोल्डर्स को, प्रोग्राम्स को, अदर थिंग्स को, ठीक है। जैसे आप माई कंप्यूटर का आइकॉन देखते हैं, डॉक्यूमेंट का आइकॉन देखते हैं, रिसाइकल बिन का आइकॉन होता है, ये सब कहाँ प्रेजेंट होता है, ये सब हमारा डेस्कटॉप पे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारा 14th क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ द लॉन्ग हॉरिजेंटल बार एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन, अनलाइक द डेस्कटॉप विच गेट ऑब्सक्योर्ड बाय द विंडोज ऑन टॉप ऑफ इट, इट इज़ विजिबल ऑलमोस्ट ऑल द टाइम। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में एक लॉन्ग हॉरिजेंटल बार होता है जो स्क्रीन के नीचे दिखाई देता है डेस्कटॉप के अनलाइक, ठीक है। ये हमारा टॉप के और ये हमेशा विजिबल होता है पूरे टाइम पर, तो वो हमारा हो गया टास्क बार। तो हम लोग दो टास्क बार के बारे में पढ़ें, पहला टास्क बार बॉटम में होता है जिसमें प्रोग्राम रन करता है, ठीक है, और हम लोग दो प्रोग्राम के बीच स्विच ओवर कर सकते हैं और वो स्टार्ट बटन कैरी करता है। दूसरा वो ऑल टाइम विजिबल भी होता है और वो हॉरिजॉन्टल बार बॉटम के स्क्रीन के नीचे प्रेजेंट होता है, ठीक है। हमारा 15th क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ विंडोज, क्लिकिंग ऑन इट ओपन्स अप व्हाट इज कॉल्ड द स्टार्ट मेन्यू। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है हमारा, जब क्लिक करते हैं उसको, क्लिकिंग ऑन तो इट ओपन्स अप, ये खुल जाता है, इसको हम लोग कहते हैं स्टार्ट मेन्यू। तो हमारा आंसर होगा स्टार्ट बटन, जब हम लोग स्टार्ट बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारा मेन्यू क्या खुलता है, स्टार्ट मेन्यू खुल जाता है, ठीक है। अब हमारा 16th क्वेश्चन है, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम व्हेन यू डिलीट अ फाइल और अ फोल्डर इट डज नॉट एक्चुअली गेट डिलीटेड राइट अवे, इट गोज टू। जब हम लोग विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में कोई फाइल को डिलीट करते हैं तो वो कहीं दूसरे जगह चला जाता है, ठीक है, वो एक्चुअली डिलीट होता नहीं है, ठीक, उसको हम लोग बाद में रिस्टोर भी कर सकते हैं, तो वो कहाँ जाता है, वो हमारा जाता है रिसाइकिल बिन में। रिसाइकिल बिन से हम लोग फाइल को राइट क्लिक करेंगे और रिस्टोर कर सकते हैं, वापस वो अपने प्लेस पर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमें परमानेंटली डिलीट करना है तो हम लोग फिर शिफ्ट प्लस डिलीट का बटन डालेंगे तो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा, ठीक है। और 17th को देखते हैं, इन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम द क्लॉक इन द विंडोज XP सिट्स ऑन द डैश एंड डिस्प्ले द सिस्टम टाइम। जो हमारा विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है उसमें क्लॉक जो होता है विंडो XP में, विंडो XP क्या हो गया हमारा, एक तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है हमारा, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक। अब कह रहा है कि क्लॉक जो है हमारा वो कहाँ पर प्रेजेंट रहता है, तो क्लॉक जो है हमारा वो प्रेजेंट रहता है टास्क बार में, कहाँ प्रेजेंट रहता है, टास्क बार में, ठीक है। अब हमारा 18th क्वेश्चन है, वर्ड प्रोसेसर्स डैट इज़ द पार्ट ऑफ द विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। जो वर्ड प्रोसेसर होता है वो पार्ट होता है विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का, किसका पार्ट होता है, वो
तो पार्ट होता है हमारा वर्ड पैट का, इसका पार्ट होता है, तो वर्ड होता है हमारा वर्ड पैट का, ठीक है। अब 19th क्वेश्चन है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज प्रोवाइड ए ग्राफिक्स एप्लीकेशन नेम्ड, माइक्रोसॉफ्ट विंडो एक ग्राफिक एप्लीकेशन हम लोग को प्रोवाइड करता है, उसका नाम होता है पेंट, ठीक है। विंडोज़ के थ्रू एक ग्राफिक एप्लीकेशन हमें दिया जाता है, वो इनबिल्ट होता है, उसका नाम क्या होता है, पेंट, ठीक है। हमारा 20th क्वेश्चन है, टेक्स्ट एडिटर डेट इज़ द पार्ट ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, टेक्स्ट एडिटर जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा नोटपैड, ठीक है। टेक्स्ट एडिटर जो कि विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट होता है वो क्या होता है, नोटपैड होता है, ठीक है। अब हमारा 21st क्वेश्चन है, डिजिटाइजर इज एन इनपुट डिवाइस, तो डिजिटाइजर क्या है हमारा, वो एक इनपुट डिवाइस है, तो वो क्या करता है, वो करता है यूज टू कन्वर्ट ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डाटा इनटू बाइनरी इनपुट्स फॉर ए डिजिटल कंप्यूटर। उसका काम है जो ग्राफिक्स एंड पिक्टोरियल डाटा है उसको कन्वर्ट करना है बाइनरी इनपुट फॉर ए डिजिटल कंप्यूटर के लिए। अब हमारा 22nd क्वेश्चन है, अ स्टोरेज डिवाइस वेयर द एक्सेस टाइम इज इफेक्टिवली इंडिपेंडेंट ऑफ द लोकेशन ऑफ द डाटा इज रेफर्ड एज, ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो कि जिसका जो एक्सेस टाइम है, जहाँ पर एक्सेस टाइम है हमारा, वो इंडिपेंडेंट होता है लोकेशन ऑफ द डाटा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट एक्सेस। हमारा 23rd क्वेश्चन है, अ पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन डैट यूजेस प्री डिफाइंड सिम्बॉल्स टू डिस्क्राइब आइदर द लॉजिक ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम और द डाटा फ्लो एंड प्रोसेसिंग स्टेप्स ऑफ ए सिस्टम इज रेफर्ड एज, एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन जो कि इस्तेमाल किया जाता है डिस्क्राइब करने के लिए लॉजिक ऑफ ए कंप्यूटर प्रोग्राम और डाटा फ्लो एंड प्रोसेसिंग स्टेप्स ऑफ अ सिस्टम, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। हमारा 24th क्वेश्चन है, अ फ्लैट सर्कुलर प्लेट कोटेड विथ अ मैग्नेटिक मटेरियल ऑन विच डाटा कैन बी स्टोर्ड बाय मैग्नेटाइजेशन ऑफ पोर्शन ऑफ द फ्लैट सर्फेस इज, ऐसा फ्लैट सर्कुलर प्लेट जो कि मैग्नेटिक मटेरियल से कोटेड हो, ठीक है, जिस पर डाटा स्टोर किया जा सके विद द हेल्प ऑफ मैग्नेटाइजेशन ऑफ द पोर्शन ऑफ द फ्लैट सर्फेस, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे हम लोग डिस्क, डिस्क क्या हमारा होता है, फ्लैट सर्कुलर प्लेट होता है, ठीक है। हमारा 25th क्वेश्चन है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इज रेफर्ड फॉर, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम रेफर्ड होता है, तो डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का शॉर्ट फॉर्म होता है डॉस, और वो क्या होता है, वो होता है कंटेन करता है डिस्क ओरिएंटेड कमांड्स एंड यूज डिस्क डिवाइसेस फॉर परमानेंट स्टोरेज, तो हमारा आंसर होगा बोथ ए एंड बी, ठीक है। हमारा 26th क्वेश्चन है, डॉक्यूमेंट रीडर इज, डॉक्यूमेंट रीडर क्या होता है, डॉक्यूमेंट रीडर हमारा होता है ऑप्टिकल इनपुट डिवाइस होता है जो कि डॉक्यूमेंट को पढ़ने में इस्तेमाल किया जाता है। हमारा 27th क्वेश्चन है, वन और मोर आइडेंटिफाइंग लाइन्स प्रिंटेड एट द बॉटम ऑफ द पेज आर रेफर्ड एज, जो लाइन्स प्रिंटेड होता है पेज ऑफ द बॉटम, बॉटम ऑफ अ पेज, पेज के बॉटम में जो लाइन्स हमारा प्रिंटेड होता है उस लाइन्स को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रेफर करते हैं हम लोग फुटर से। हमारा 28th क्वेश्चन है, फॉरट्रेन इज, फॉरट्रेन क्या होता है, फॉरट्रेन का मतलब होता है फार्मूला ट्रांसलेशन, ये एक हाई लेवल मैथमेटिकल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ ए एंड बी। हमारा 29th क्वेश्चन है, एन एडर विच एड्स 3 बाइनरी डिजिट्स एंड आउटपुट्स अ रिजल्ट बिट एंड अ कैरी बिट इज रेफर्ड एज, ऐसा एडर जो कि 3 बाइनरी डिजिट्स को ऐड करता है और आउटपुट देता है हमारा बिट एंड अ कैरी बिट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं फुल एडर। हमारा 30th क्वेश्चन है, द टाइम पीरियड ड्यूरिंग विच अ कंप्यूटर इज माल फंक्शनिंग और नॉट ऑपरेटिंग करेक्टली ड्यू टू मशीन फेल्योर इज रेफर्ड एज, ऐसा टाइम पीरियड जिसमें कंप्यूटर जो है हमारा माल फंक्शनिंग है, कंप्यूटर काम नहीं कर रहा है, क्यों, क्योंकि मशीन फेल्योर के कारण, उसको क्या बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को क्या बोलते हैं, उस टाइम पीरियड को हम लोग बोलते हैं डाउन टाइम।
अब हम लोग यहां पर देखेंगे कि आसियान का फॉर्मेशन कब हुआ, किस कंट्री के द्वारा किया गया, इसका मोटो क्या है, इसका वर्किंग लैंग्वेज क्या है, कितने मेंबर्स हैं इसमें और इसका हेडक्वार्टर क्या है। द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आसियान वॉज फॉर्म्ड इन 1967 बाय इंडोनेशिया, मलेशिया, द फिलीपींस, सिंगापुर एंड द थाईलैंड टू प्रमोट पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड रीजनल स्टेबिलिटी। तो आसियान का फॉर्मेशन किया गया 1967 में इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड के द्वारा। मोटो है वन विजन वन आइडेंटिटी वन कम्युनिटी। वर्किंग लैंग्वेज है इंग्लिश। 10 मेंबर्स हैं आसियान में, ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, द फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और फर्दर इस वीडियो में मैंने हर एक कंट्री को डिस्कस किया है, उसके कैपिटल को, उसकी करेंसी को, उसके प्रेजेंट जो प्राइम मिनिस्टर है उनको। हेडक्वार्टर है आसियान का जकार्ता इंडोनेशिया में। आसियान कंट्री मेंबर है ब्रूनी दारुशेलम। हेड ऑफ द स्टेट सुल्तान हाजी हसानल बोलकिया मुजुद्दीन वदुल्ला। कैपिटल बंदर सेरी वेगावन। लैंग्वेज मलय इंग्लिश। करेंसी ब्रूनी डॉलर। वह कंबोडिया। हेड ऑफ द स्टेट मजेस्टी किंग नोरोडम सिहामोनी। हेड ऑफ द कंट्री गवर्नमेंट सॉरी हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर हुन सेन। कैपिटल फिनोपेन। लैंग्वेज खेमर। करेंसी रियाल। इंडोनेशिया। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट जोको विडोडो। कैपिटल जकार्ता। लैंग्वेज इंडोनेशियन। करेंसी रुपया। हमारा कंट्री लाओस। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट बोंग हांग बोरोचित। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर थोंग लोन सुसोलित। कैपिटल वेंटियाना। लैंग्वेज लाओ। करेंसी कीप। नेक्स्ट हमारा कंट्री है मलेशिया। मलेशिया के भी प्राइम मिनिस्टर है महाथिर बिन मोहम्मद। कैपिटल कुआलालंपुर। लैंग्वेज मलय इंग्लिश चाइनीज तमिल। और मलेशिया का करेंसी हमारा रिंगिट। म्यांमार। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट यू हितिन यो। कैपिटल नापी तो। लैंग्वेज म्यांमार। करेंसी क्याट। हमारा कंट्री मेंबर है फिलीपींस। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट रोड्रिगो राव दुतेरेटे। कैपिटल मनीला। लैंग्वेज फिलिपिनो इंग्लिश स्पेनिश। करेंसी पेसो। हमारा कंट्री है सिंगापुर। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट हलीमा याकूब। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर ली सान लूंग। कैपिटल सिंगापुर। लैंग्वेज इंग्लिश मलय मैंड्रीन तमिल। करेंसी सिंगापुर डॉलर। हमारा कंट्री है थाईलैंड। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर जनरल प्रायुत चानोचा। कैपिटल बैंकॉक। लैंग्वेज थाई। करेंसी भट। वे वियतनाम। हेड ऑफ द स्टेट प्रेसिडेंट त्रान दाई क्वांग। हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर न्यूआंग जुआन फुक। कैपिटल हानोई। लैंग्वेज वियतनामीज। करेंसी डोंग। यह वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करें, हमें शेयर करें एंड हमें लाइक करें। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। थैंक यू।